good morning fourth class how are you all i hope you're fine at your home so the children this is your 11th chapter from social study are human resources so human resources human resources are best of all resources because they can shape the other resources to benefit ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि वो अदर रिसोर्सेज को यानी कि जो नेचर से हमें अदर रिसोर्सेस मिलते हैं जैसे वाटर है सॉयल है इनको वो शेप देते हैं अपने बेनिफिट के लिए अपने यूज के लिए सो नाउ लेट्स रीड द चैप्टर मैन एज अ रिसोर्स मैन जो है वो क्या है एक रिसोर्स के रूप में मैन किस तरीके से एक यूजफुल है टर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मिनरल एंड लाइफ स्टॉक आर नेचुरल रिसोर्सेज बट दे आर नॉट यूजफुल बाय देम सेल्व दीज आर मैन हुम फॉर दियर बेनिफिट बींग यूज बाय देम सेल्व मैन आर ऑल्सो रिसोर्स दे आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस ह्यूमन रिसोर्सेज आर बेस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज बिकॉज दे कैन शेप द अदर रिसोर्सेज टू बेनिफिट जो की जो नेचर के द्वारा जो हमारे रिसोर्सेज है जैसे सॉइल है वॉटर है फॉरेस्ट है वाइल्ड लाइफ है मिनरल्स है ये सब हमको किससे मिलते हैं नेचर से लेकिन ये अपने आप में यूजफुल नहीं है ये अपने आप से हमें इसको यूजफुल कि ये जो मैन ही है कि जो इनको अपने बेनिफिट के लिए अपने फायदे के लिए इनको यूजफुल बनाता है ये यूजफुल है लेकिन ये अपने आप से हमको जो है मिट्टी जो है वा, वा, वाटर जो है अपने आप जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा फॉरेस्ट से या हमको हम फॉरेस्ट में जाएंगे तो या हमको वहां से बना बना फर्नीचर नहीं मिलता है वाइल्ड लाइफ के हम अदर तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं मिनरल्स जो हमको मिलते हैं नेचर से वो तब तक उनका कोई यूज नहीं है कि जब तक मैन जो है उनको अपने यूज में लेकर अपने फायदे के लिए उनका यूज ना करें सो बींग यूज बाय देम सेल्फ मैन आर ऑल्सो रिसोर्स तो इन चीजों का रिसोर्स का यूज करने के लिए मैन भी क्या है एक तरीके का रिसोर्स है एंड दे आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स को हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स बेस्ट ऑफ ऑल रिसो दे केन शेप टू अदर रिसोर्सिस टू बेनिफिट यानी कि ह्यूमन जो है वो क्या कर सकते हैं जो हमें नेचर से मिलने वाले जो अदर रिसोर्सेज हैं जैसे वाटर है तो वॉटर आइज वी नो दैट वाटर इज यूजफुल वॉट ड्रिंकिंग बट वाटर के और भी कई यूज हैं वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा होती है सॉइल है वो उसमें क्या चीजें उगानी हैं सॉइल से हमें काफी चीजें जो नेचर की वजह से जो हमें प्लांट्स मिलते हैं या अदर टाइप के जो हम फूड आइटम्स मिलते हैं तो उनको कैसे उगाना है उनको कैसे यूज करना है उन्हें कैसे बेस्ट से बेस्ट देना है तो ये सब चीजें जो है ये कौन करता है मैन करता है इसलिए मैन भी जो एक तरीके से क्या है रिसोर्स है और इन चीजों का यूज करने के लिए मैन जो है वो सबसे बेस्ट रिसोर्स होता है

उसके बाद से जो हमारी जो ऑर्डरली जो प्लानिंग है सोशियो इकोनॉमिक की यानि अपनी इकोनॉमिक को किस तरीके से आर्थिक व्यवस्था को किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए तो हमने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ज्यादा से ज्यादा उनको यूज में लाकर और उनको अवेलेबल बनाने की जो है मैन ने काफी उसमें डेवलपमेंट किया सो वी अचीव मस्ट मच प्रोग्रेस विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और इस चीज में हमको बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिली किसके थ्रू मैन ह्यूमन रिसोर्सेज के आर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज ट्रिपल ड्यू टू बेटर मेथड फार्मिंग मोर इरीगेशन एंड फर्टिलाइजर्स मतलब ने जो है, तो है हमारे पास शुरू से ही मिट्टी शुरू तो से है वो एक नेचुरल रिसोर्स है लेकिन उसको और ज्यादा यूजफुल एग्रीकल्चर में उसको और ज्यादा यूजफुल और ज्यादा फर्टिलाइज करने का काम किसने करा ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मैन ने ही किया है फिर लार्ज आयरन स्टील प्लांट एंड अदर फैक्ट्रीज है सेट अप टू मेक मैनी ऑफ द थिंग्स वी नीड तो यानी कि स्टील से आयरन से काफी चीजें बनाने का जो काम है वो भी किसने करा मैन ने ही करा है नाउ वी हैव मैनी मोर स्कूल हॉस्पिटल्स रोड रेलवे ट्रेन एरोप्लेन एंड टीवी स्टेशन तो आज की डेट में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं स्कूल्स हैं हॉस्पिटल्स हैं तो ये सब चीजें किससे बनी हुई हैं ये सब नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू बनी है लेकिन इनको यूज करने के लिए इनको इन चीजों में चेंज करने का वर्क जो है वो किसने करा ह्यूमन ने करा है सो बट बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्रेस हैव पीपल और इसका जो इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों का बेनिफिट जो है वो किसको मिलता है पीपल्स को लोगों को मिलता है दे आर स्टिल पुअर लेकिन अभी भी जो है हमारे देश में हैं बहुत से लोग क्या हैं पुअर हैं दे कुड नॉट गेट अ फूड जॉब एंड एजुकेशन उनके पास ना अच्छी एजुकेशन है ना ही अच्छा खाना है इनफ फूड है और कई तरीके की प्रॉब्लम्स हैं वन ऑफ द रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम इज दैट आर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली तो इसका सबसे जो मेन कारण है वो क्या है कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है बहुत ज्यादा बढ़ रही है तेजी से आर कंट्री इज वेरी रिच इन ह्यूमन रिसोर्सेज क्योंकि पीपल ज्यादा है तो इसलिए हमारी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है सो मोर देन वन हंड्रेड ट्वेंटी करोड़ पीपल लिव इन इंडिया uh, प्रेजेंट पॉपुलेशन इज मोर देन ट्रिपल ऑफ व्हाट इट वाज़ द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस तो हमारी जो अभी पॉपुलेशन क्या है 121 करोड़ से भी ज्यादा है और ये उस टाइम से यानी कि आजादी के टाइम से लेकर अब तक जो है हमारी पॉपुलेशन क्या हो चुकी है तिगुनी हो चुकी है इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर्स कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना चाइना के बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलर्स कंट्री है वो कहा कौन सी है इंडिया है द रीजन फॉर दिस ज दैट द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग वेरी रेपिडली और क्योंकि इसका रीजन यह है कि जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है तेजी से बढ़ रही है इफेक्ट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम इन ए स्पेयर वट एवर वी प्रोड्यूस और मेक इज लेस देन वट वट वी नीड क्योंकि जो है रेपिडली जो तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन का जो है वो क्या हो रहा है काफी सारा काफी जो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं क्योंकि जो कुछ भी हम प्रोड्यूस करते हैं जो कुछ भी हमारा बनता है या कुछ ग्रो करते हैं वो मतलब इतने क्योंकि पॉपुलेशन होने के लिए इतनी पॉपुलेशन होने के कारण भी वो क्या हो जाता है हम उसमें कम पड़ जाता है मैनी पीपल आर डिक नीड ऑफ लाइफ मैंने कि यहां पर इतनी वो है कि, कि अभी तक कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास बेसिक नीड भी पूरी करने तक के अवेलेबल नहीं है सेफ ड्रिंकिंग वॉटर यानी कि जैसे कि हमारी बेसिक नीड क्या क्या होती है सेफ ड्रिंकिंग वाटर है इनअ फूड डिस्पेंसरीज रोड लाइट एक्सेट्रा तो अभी ये जो हमारे लाइफ की बेसिक नीड्स हैं और इतने अभी काफी लोग हैं हमारी कंट्री में जिनके पास ये बेसिक नीड्स भी नहीं है देयर इज ऑल्सो शॉर्टेज ऑफ द जॉब्स बिकॉज हाउसेज स्कूल एंड हॉस्पिटल्स और शॉर्टेज है यहां पर अभी हाउसेज की है कई लोगों के पास घर नहीं है हॉस्पिटल नहीं है कई गाव ऐसे है कि जहां हॉस्पिटल्स नहीं है बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं है सो इट इज डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एजेंटल फेसिलिटीज टू ऑल और जब ग्रोइंग पॉपुलिस होती है तो ये गवर्नमेंट के लिए भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि वो उन सबको ये सारी फैसिलिटीज जो है वो क्या कर सके प्रोवाइड कर सके ऑलमोस्ट सेवेंटी टू परसेंट इंडिया लिव इन विज यानी कि सेवेंटी टू परसेंट लोग जो है वो विलेजेस में रहते हैं मोस्ट ऑफ द विलेजर्स लैक सिविल एम्यूनिटीज एंड जॉब्स और जितने विलेजर्स ऐसे हैं कि जिनके पास uh, जो है ना के कोई प्राइवेट वर्क या कोई जॉब नहीं है सो मोर एंड मोर विलेजर्स आर मूविंग टू द सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स तो इसके लिए क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो क्या होते हैं सर्च ऑफ जॉब्स में वो क्या हो जाते हैं गांव छोड़कर सिटीज की तरफ आ जाते हैं दीज पीपल आर मैगनेट इन पीपल्स को हम क्या कहते हैं माइग्रेंट कहते हैं यानी कि माइग्रेट करना एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना उसको कहते हैं माइग्रेट तो ऐसे लोगों को जो अपने सिटी अपने गांव को छोड़कर दूसरी सिटी में जॉब के लिए जाते हैं यानी वो माइग्रेंट कहलाते हैं इट हैज क्रिएटेड सीरियस प्रॉब्लम्स तो तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो काफी सीरियस प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती है पॉपुलेशन इंक्रीजिंग से सो पॉपुलेशन ऑफ सिटीज इज ग्रोइंग पीपल लिव इन द बैड टू वर्स कंडीशन ऑफ द क्राउडेड हाउस तो इस, इसके कारण क्योंकि अब जब विलेजेस छोड़ के भी लोग सिटीज में आ रहे हैं तो यानी सिटीज की पॉपुलेशन क्या रही हो रही है बहुत ज्यादा ग्रोइंग हो रही है बहुत ज्यादा बढ़ रही है और फिर सिटीज में भी कई लोग हैं कि जो बहुत ही वर्स्ट कंडीशंस में रहते हैं बहुत ही बुरे हालातों में वहां पर रहते हैं और एक ही घर में बहुत एक छोटे से घर में बहुत सारे लोगों को रहना पड़ता है सो दे लेक सेफ ड्रिंकिंग वाटर एजुकेशन प्रॉपर हेल्थ केयर एज अ रिजल्ट इवन एबल पीपल कैन नॉट बिकम गुड वर्कर्स तो और फिर उनको काफी चीजों की कमी वहां पर होती है सेफ ड्रिंकिंग वाटर की एजुकेशन की प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं हो पाती है उनकी और जिसका कारण होता है कि पीपल जो है वो एक तरीके के अच्छे वर्कर नहीं बन पाते हैं सो बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए हमारे क्या क्या होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी ट्रेन टू बिकमिंग बेटर ओनली वेन दे आर नॉट मैनी मोर इन नंबर तो यानी कि जब कम होगी जनसंख्या तो वो ज्यादा अच्छे से ट्रेंड होंगे किसी भी काम को बेटर तरीके से करने के लिए और ये तभी होगा कि जब हमारे क्या होंगे हम नंबर्स में कम होंगे यानी जनसंख्या क्या होगी कम होगी दियर फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन मस्ट बी चेक्ड मोर इम्पोर्टेंट देन द नंबर इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस यानी कि ह्यूमन के मतलब नंबर से ज्यादा यानी कि ज्यादा पॉपुलेशन से बेहतर क्या है कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस यानी कि ह्यूमंस की क्वालिटी क्वालिटी जो है वो क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी फैमिली एवरी फैमिली शुड बी स्मॉल फैमिली हर परिवार को कैसा होना चाहिए छोटा परिवार ही होना चाहिए पीपल हैविंग स्मॉल फैमिली शुड बी रिवॉर्डेड और जिनके परिवार छोटे हैं, उनको यानी कि इस तरीके के गवर्नमेंट भी इन चीजों में क्या अपना रोल प्ले कर सकती है कि जैसे जो families ऑलरेडी छोटी हैं, उनको क्या करना चाहिए उन्हें रिवॉर्डेड करना चाहिए उन्हें इनाम देना चाहिए जिससे बाकी के लोग भी क्या हों एंकरेज हों सो बिस मेनी मोर प्लान दियर इज नीड टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल तो इस तरीके के कि जो प्लान्स होंगे उनसे क्या होगी लिविंग कंडीशंस क्या होगी लोगों की वो बेहतर होगी दे शुड बी गिवन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द हेल्थ केयर न्यू स्किल कोऑपरेशन और मोरालिटी दिस दीज विल बी इंस्पायर देम फॉर हार्ड वर्क सेल्व एंड फॉर दियर कंट्री ओनली वाइज एंड स्किल पीपल विल बी प्रूव अ यूजफुल ह्यूमन सो ह्यूमन रिसोर्सेज इन टर्न इट विल मेक द बेस्ट यूज अदर रिसोर्सेज सो क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो अदर रिसोर्सेज से काफी बेटर है और ये तभी पॉसिबल होगा कि जब हम नंबर्स में कम होंगे हमारी जनसंख्या कम होगी उससे लोगों को क्या मिलेगा ज्यादा से ज्यादा मौके मिलेंगे अच्छी ट्रेनिंग लेने के अच्छी आ, शिक्षा प्राप्त करने के लिए और जो फिर वो जो लोग होंगे वो एक बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स के रूप में सामने आएंगे सो द चिल्ड्रन चैप्टर इज कम्पलीटेड हियर नाउ द एक्सरसाइज टाइम दिस इज टिक द करेक्ट वर्ड द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आर कंट्री डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन सो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द करेक्ट आंसर यानी कि हमारी जो कंट्री की सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जो है वो हमारी कंट्री की सबसे बड़ी समस्या है द वाइज मैन मेक फुल और लिटिल यूज ऑफ दियर स्कूल तो वो जो वाइज मैन होगा वो अपने उसका फुल स्किल का फुल यूज करेगा कि लिटिल यूज करेगा सो फुल यूज होगा उसके द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज ट्रिपल्ड सिंस इंडिपेंडेंस फिर आर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग स्लोली और रैपिडली सो आर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली नाउ टेक द करेक्ट ऑप्शन द मोस्ट पॉपुलस country in the world is China, India, Russia or America. So the correct answer is China. The most important resources of a country is mineral pupil soil or forest. So for pupil. A large number of India Indians are untidy, unemployed, uncertain, rich. So unemployed. Now India got independence in 1947 the population of india has crossed 120 crore almost 72% of indian live in the village people come from village to cities in search of jobs now these are true false man can make the best use of the natural resources yes this is right our population is increasing as fast as rate yes this is true correct option correct the growing population has not affected our life no this is wrong it's affecting our life Pupils should be trained for health care and new skill yes this is